ये रामू है। रामू की पहली पत्नी अब नहीं रही, लेकिन उसका एक बेटा श्याम और एक बेटी मीरा। और ये रामू की दूसरी पत्नी सरला और उसका बेटा चीनू है। रामू एक सेठ के बगीचे में बागवानी करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। रामू अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार करते थे। घर में खुशनुमा माहौल था, सभी खुशी से रहते थे। लेकिन ये खुशी अधिक दिन नहीं चली, मानो किसी की नज़र लग गई हो। हमेशा की तरह आज भी रामू काम पे निकला। अरे रामू, तुम आ गया? हाँ मालिक। घर में सभी कुशल मंगल है ना रामू? ऊपर वाले की कृपा और आपकी दया से सभी कुशल मंगल है मालिक। ठीक है, तुम काम करो। अरे रामू, क्या हुआ? उठो भाई उठो, तुम्हें क्या हुआ? सेठ जी सेठ जी, क्या हुआ तुम्हें? पहाड़ सर पे उठा रखा है। सेठ जी, रामू को क्या हो गया? वह बगान में गिरा पड़ा है। क्या हुआ उसे? चलो देखते हैं। रामू, अरे ओ रामू, अरे ये तो बेहोश है। इसके बाद रामू को अस्पताल लेकर गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर रामू के घर पे माथम छा गया था। देखते ही देखते हंसता खेलता परिवार बिखर गया। शाम की सौतेली माँ भी अपना रंग दिखाने लगी। शाम और उसकी बहन मीरा के साथ दुर्व्यवहार करने लगी, सौतेली जैसा बर्ताव करने लगा, जिसके कारण परिवार और टूट गया। माँ, खाना दो ना, मुझे जोरों की भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाई। आ गई कल मुही, जरा सा काम क्या की भूख लग गई। जाओ पहले बर्तन साफ करो। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो। अरे मेरे बेटे को भूख लगी है? ना जाने कब से भूखा है। अरे ऐसे घूर क्या रही हो, मेरे बेटे को नजर लगाएगी। मनहूस, जा बर्तन साफ करो, कहीं जाकर मरती भी नहीं है। क्या हुआ मेरा, तुम रो क्यों रही हो? भैया, मुझे भूख लगी है, माँ से खाना मांगा तो डांट मिला। सब ठीक हो जाएगा मेरा, तुम चिंता मत करो। अरे ओ सारला बहन, दोनों बच्चों को डांट क्यों रही हो? डांटू नहीं तो और क्या करूं? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, मैं कहां से खिलाऊं? इसके पिता तो चले गए, इन दोनों को छोड़ दिया मेरे छाती में मूंग दलने के लिए। साम बेटा,
तुम चाहो तो अपने पिता के बदले मेरे पास काम कर सकते हो। जो पगार तुम्हारे पिता को देता था वही तुम्हें दूंगा। तुम्हारी इच्छा है तो कल से काम पे आ सकते हो। ठीक है सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। शाम बेटा तुम आ गए, अच्छे से मन लगाकर काम करना। ठीक है सेठ जी। इसी तरह शाम मेहनत और लगन से काम करने लगा। समय बीतता गया। अरे शाम बेटा, तुमने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया, मुझे खुशी है। तुमने काम को जल्दी से सीखा और अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया, और आज तुम्हारा एक महीना पूरा हुआ। सेठ जी शाम को एक महीने का पगार देते हैं। शाम खुशी खुशी घर आता है और अपनी बहन को पैसे दिखाता है। तभी सरला वहां आ जाती है। ओ, तो तुम्हें पगार मिल गया, चलो इसे मुझे दो। माँ, अब तो हमें भरपेट खाना मिलेगा ना। कल मुही जब देखो खाने की बात करती है, चलो जाओ यहाँ से। इसी तरह समय निकलता गया। शाम ने परिवार के लिए बहुत मेहनत किया था। कुछ समय बाद सारला को गंभीर बीमारी हो जाती है। शाम उसकी खूब सेवा करता है। धीरे धीरे सरला ठीक हो जाती है। तब सरला को एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी। इसके बाद सब ठीक हो गया। सभी हंसी खुशी मिलकर रहने लगे।